दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। समाजवाद के आधार निर्माण करेला पार्टी भीतर वैचारिक स्पष्टता जरूरी रहल। नेकपा अध्यक्ष दहाल के कहना, समानता के लड़ाई अभी भी बाकी। दशहरा खातिर कालू से अग्रिम टिकट बुकिंग खुला, टिकट ना मिलला से सर्वसाधारण परेशान। चीनिया राष्ट्रपति नेपाल आवे के तैयारी में विभिन्न भाषा प्रशिक्षण शुरू, राजकीय भ्रमण कुआर अंतिम हफ्ता होके के संभावना। एक हफ्ता खातिर अमेरिका भ्रमण में रहल भारतीय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत, मोदी आ ट्रंप एक दूसरा के खुल के तारीफ कैलक। आ अमेरिका कराते कप में नेपाल के हिकमत घरती मगर जीतलन 2 गो स्वर्ण पदक। अब पूरा समाचार। नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल कम्युनिस्ट समुदाय ही कम्युनिस्ट विचार के भूलते गैल बतौले बानी। अध्यक्ष दहाल विचार आ सिद्धांत से स्खलत होते कम्युनिस्ट आंदोलन दिशाहीन रास्ता तरफ जा रहा बतौने। समाजवादी रास्ता में आगे बढ़े के बदले निरंकुशता आ कांग्रेस के ही रास्ता में कम्युनिस्ट जाय लागल दहाल के दावी बा। नाम त अहिले पनि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी नै छ, तर हामी साँच्चै कम्युनिस्टै जस्ता छौँ त अहिले भन्न त हामीले समाजवादको यात्रा सुरु गर्ने भनेका छौँ कि हामी समाजवादको यात्राको निम्ति एउटा योद्धा जस्तै छौँ त हामी, या हामी बिस्तारै बिस्तारै काङ्ग्रेस जस्ता, या बिस्तारै बिस्तारै हिजोका निरङ्कुशतावादीहरूको जस्तै जस्तै। कार्यक्रम में वक्ता सब देश परिवर्तन आ संविधान निर्माण में सहना प्रधान से पुगावल योगदान आ बीतल दिन के आंदोलन में प्रधान के भूमिका के याद कैले रहे। जुलूस निकालो, तो जुलूस में व्यापक दमन भयो, वहाँ गिरफ्तार गरियो, तर वहाँ निर्भीकतापूर्वक आंदोलन लाग्यो। बिस्तारी 2007 साल को क्रांति देश में भयो, यद्यपि क्रांति सफल हुन सकेन, मुलुक में आवश्यक परिवर्तन हुन सकेन, त्यही आंशिक परिवर्तन भए। दृष्टिकोण में व्यापकता थियो र दृढ़ता थियो, त्यो चाहिँ अनौठो पाउँथे मैं। उहाँले बोल्दाखेरि जब सार्वजनिक रूपले र प्राइभेटली बोल्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँ यो समग्र आंदोलन को प्रतिनिधि का रूप में, त्यसको प्रवक्ता का रूप में, त्यो दृढताका साथ र त्यो व्यापकताका साथ खडा हुनुहुन्थ्यो। यसर्थ आज फेरि पनि सम्झिने भनेको त्यो मिसन नै सम्झिने। कार्यक्रम में महिला के 33% सहभागिता के मुद्दा सहना प्रधान के ही नेतृत्व में उठल विषय के भी चर्चा कल गेल रहे। दशहरा के तैयारी जोर शोर से हो रहल बा। सरकार उपत्यका बाहर जाए वाला सर्वसाधारण खातिर कह के एतवार से ही अग्रिम टिकट बुकिंग खुला कैले बा, लेकिन काठमांडू के नया बस पार्क में टिकट खातिर सर्वसाधारण के समस्या हो रहल बा। काठमांडू के नया बस पार्क में अग्रिम टिकट बुझे गए सर्वसाधारण के बहुते समस्या भोगे के पड़ रहल बा। इतवार के सवेरे 3 बजे से टिकट खुला संग ही लाइन में बैठल सर्वसाधारण सब टिकट खुलल पहिलका दिन में ही टिकट ना मिल के हैरान बाड़न सन। कारण ह काउंटर के कर्मचारी के सेटिंग में अवैध टिकट के बिक्री, खास करके पश्चिमांचल कर्णाली आ सुदूर पश्चिमांचल जाए वाला बस के टिकट सेटिंग में बिक्री हो रहल बा। एक जना मान्छे चाहिँ सायद यहाँ त्यो कुन गण भन्ने एउटा सेनाकै मान्छे थिए, अनि उहाँ चाहिँ मैले हेरिरहेको थिएँ, फलोअप गरिरहेको थिएँ, अनि उहाँ भित्र जानुभयो, अनि 81 टिकट काटेर अनि एउटा आएमै अनि एउटा बच्चालाई बाँडेर जानुभयो क्या। म त्यहाँ हेरेको, अनि एबिसी न्युज भन्ने आएको थियो दुईजना केटीहरू, दिदी त्यहाँनिर त्यस्तो भइरहेछ, त्यो फलोअप गर्नु, त्यो खिच्नु, कसरी पायो, हामीले पाएको छैनौँ, हामी यहाँ बसिरहेछौँ, उहाँले 81 कसरी पाउनु भन्ने कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो हाम्रो अहिले अधिकार छैन, तपाईँहरू आफै गर्नु भन्ने कुरा गर्यो क्या। प्रहरीद्वारा सर्वसाधारणकै सुरक्षा व्यवस्थाकै अनुभूत गराबे खातिर बहुते मात्रामै प्रहरी परिचालन कैल जनौला पर भी नयाँ बस पार्कमै ऐसन अनुभूति नैखे हो सकल। ओहिले खा टिकट काउंटर बाहर सब केहू के देखे किसिम से भाड़ा दर के सूची राखे पड़े में एकाध काउंटर के अलावा दोसर जगह में नैखे राखल गैल।
आज एउटा मान्छेहरू हतारिएको पनि मैले देखाएको अलिक समस्या चाहिँ कस्तो छ भने भोलिबाट टिकट पाइन्न कि भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ एकदम लाइन लगाएर आजै टिकट लिएर जान्छौँ भन्ने खालको चाहिँ मान्छेहरूमा अब आज अलिकति कौतुलता बढेर आउनुभएको होला। पहिला पनि हामीले सर्कुलर गरेको अवस्थाहरू थियो, यहाँ चाहिँ टिकटको चाहिँ काउन्टरमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ के भन्छ पैसाको चाहिँ के भन्छ उहाँको त्यो जहाँसम्म जानुपर्ने भाडा हो भाडा दर रेट चाहिँ अगाडिपट्टि टाँसियोस् भन्ने थियो। अब एक प्रायःले टाँसेका छन् र केहीमा कमी चाहिँ आएको छ, यिनीहरूलाई पनि हामी तत्काल चाहिँ के भन्छ गराउँदैछौँ। सरकार आ यातायात व्यवसायी सब सर्वसाधारण के दुख नादेवी के जनावल प्रतिबद्धता दशहरा खातिर टिकट बुकिंग खुला संगी काउंटर में बैठे वाला के हरकत से उजागर हो गए बा। इस समस्या के अंत कहीं आ होखी। कैमरामैन श्री राम श्रेष्ठ के साथ एलबी विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सरकार दशहरा के लक्षित करके विभिन्न ठाव में सस्ता भाव के दुकान संचालन में लाइल बा, लेकिन सर्वसाधारण सब दिन दहाड़े ठगा रहल बा। दशहरा लगीचाइल संगी सरकार द्वारा इतवार से अग्रिम टिकट बुकिंग खुला कल गई। काठमांडू से बाहर जाय वाला विभिन्न बस काउंटर सब में इबेरिया सर्वसाधारण के भीड़ लागल बा, लेकिन नए बस पार्क में संचालित नाश्ता दुकान ऐसने मौका के तलाश में रहेला। दिन दहाड़े सर्वसाधारण के उ लोग ठग रहल बा। दुकान में अगर एक समोसा खाए जाए तो खाए वाला के तरकारी अनिवार्य खाही के पड़ी आ 100 रुपया से कम के नाश्ता ना करे मिले जैसन नियम सब लागू करके ठगी हो रहल बा। मैले खाजा खाना एउटा समोसा र तरकारी खोजे यो किन्न पाइदैन भन्ने आए यहाँ कुरा, अनि ठिकै छ यहाँ किन्न नपाए अन्त किन्छु म भनेर अरु पसलहरुको खोजे। यहाँ कुनै पसलै छैन अर्को बसवार भित्र, अर्को होटल छैन। यहाँ पहिले माथिर होटल थिए ती सबै बन्द छन् अहिले। अनि त्यसपछि मलाई एकदम पोल्यो के सर, मैले संविधान पढाएको छु नेपालको, हिजो मात्रै हामीले संविधान दिवस मनाएछौँ, अगरबत्ती बोलाएछौँ हामीले, दिवाली गरा होइन हिजो संविधान संविधानको संविधानले भनेकै कुरा त हामीले पाउँदैनौँ भने कसरी हुन्छ। सर्वसाधारणके समस्या समाधान खातिर नयाँ बस पार्कमै प्रहरी परिचालन कैल गेल बा। उतना ही ना शिकायत रखे खातिर आ अपना ठगैला पर जानकारी करावे खातिर शिकायत डेस्क के भी व्यवस्था कैल गेल बा, लेकिन भीड़ के चलते समस्या समाधान करे खातिर कठिन भइल प्रहरी के कहनाम बाटे। दुईजना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिया छौँ, अहिले भित्र राखेका छौँ। अहिले बिचौलियाहरू हामीले केही महिना अगाडि पनि 18 जना पक्राउ गरेर कारवाही गरेको अवस्था थियो, त्यो भएर अहिले बिचौलियाको चाहिँ त्यति देखिएको छैन। बिचौलिया र अर्को चाहिँ पिक पकेटिङ हुन सक्ने सम्भावना हो, त्यसको लागि हामीले सादा पोसाकको ड्युटी खटाएको हौँ। सबेरसे पानी समेत नापिके लाइनमै लागल सर्वसाधारणकै 18 गते तकके टिकट बुकिङ हो चुकल कहत त्रास भी फैलावल गेल बा। एलबी विश्वकर्माके रिपोर्ट। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनफिङ नेपाल आवेके मिति तय हो रहल समय नेकपा विभिन्न बहस आ प्रशिक्षण शुरू कैले बा। कुवार अन्तिम हप्ता होखेवाला भ्रमणके तयारी आ विचार आदान प्रदान खातिर बहस शुरू कैल गेल बताओल गेल बा। चिनिया राष्ट्रपति सी के राजकीय भ्रमण आसिन के अंतिम हप्ता हो सके के संभावना के मद्देनजर करत सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभिन्न वैचारिक बहस आ प्रशिक्षण शुरू कैले बा। शनिचर के नेकपा के स्थायी कमिटी सदस्य लोग के सहभागिता में सी जिनफिङ विचार आ BRI के व्यवस्था बदल रहल बा विषयक अंतरक्रिया कैल गेल। सोमवार के वैचारिक आदान प्रदान खातिर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश विभाग प्रमुख संग ताव के नेतृत्व के टोली नेपाल आ रहल बा। कार्यक्रम में दोनों देश के नेता से अपन अपन विचार आ पार्टी के दृष्टिकोण राखे के कार्यक्रम भी तय भइल बा। हाम्रो पार्टी का दुवैजना अध्यक्षहरूले आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ, हाम्रो पार्टी स्कुल विभागको प्रमुखले पनि हाम्रो पार्टी स्कुल विभागको तर्फबाट विचार राख्नुहुन्छ, र उता चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पनि तिनवटा विभागको तर्फबाट पार्टी स्कुल विभाग विदेश विभाग र सङ्गठन विभागको तर्फबाट उहाँहरूका धारणाहरू राख्नुहुन्छ र हामीले त्यहाँ चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्छौँ। यो विचारधारात्मक आदान प्रदानको कार्यक्रम हो। यो दो दिन तक होखेवाला अन्तर्क्रियामै दुनू देशके कम्युनिस्ट पार्टीके प्रतिनिधि एकै मञ्चमै खडा होके सिद्धान्त विचार आ छलफल करी लोग। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीके 19वां महाधिवेशन से तय कैल गेल राजनीतिक वैचारिक कार्यदिशा कम्युनिस्ट आन्दोलनके विश्व दृष्टिकोण बदलते जा रहल परिवेशके बारेमे आपन विचार दृष्टिकोण धारणा राखेके भी बतावल गेल बा। प्रशिक्षणमे सी जिनफिङ विचारधारामे आ इन्डो पेसिफिक नीतिके विषयमे बैठक कोनो छलफल ना होखेके भी बतावल गेल बा। स्कुल विभागले गर्ने भोलिदेखिको कार्यक्रमको कुरा छ, त्यो चाहिँ सी जिनफिङ विचारधारा पढाउने भनेको किमार्थ होइन। त्यो चाहिँ के हो भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका केही विभागहरू र हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीका केही विभागहरूको बिचमा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने हो। चिनियाहरूले बेला बखतमा यस्ता विचारधारात्मक आदान प्रदानका कार्यक्रमहरू गरिरहन्छन्। दुनू देश बीचके अन्तर्क्रिया आ विचार आदान प्रदान से पारस्परिक सम्बन्ध थप मजबुत होके विश्वास लेहल गेल बा।
कान्ति न्यूपानेकी रिपोर्ट। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलद्वारा काउन्सिलमै नाम दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा आयोजना कार्तिक 30 गते गरेको निर्णय कैले बा परीक्षामा सहभागी होके के चाहे होला विद्यार्थी सब यही कुवार 9 गते से कार्तिक 9 गते तकले अनलाइन आवेदन देवेके काउन्सिल जनाउले बा परीक्षामा स्नातक तथा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहके नर्सिङ परीक्षा उत्तीर्ण कैल विद्यार्थी सब नाम दर्ता परीक्षामा आवेदन दे सकेल युग दर्ता परीक्षामा उत्तीर्ण भइला बाद ही स्वास्थ्य सेवा खातिर योग्य मानल जाला। असार 18 गते से परीक्षा में नेपाल भारत के कॉलेज से उत्तीर्ण 214 विद्यार्थी सहभागी रहे। अभी तक काउंसिल में 89,787 नर्स नाम दर्ता करा चुकल बा। अब आर्थिक समाचार। जनता बैंक बीतल वर्ष के मुनाफा से शेयरधनी के 12% लाभांश देवे के प्रस्ताव कैले बा। शेयरधनी के 6% बोनस शेयर आ कर प्रायोजन खातिर समेत करके 6% नगद लाभांश प्रस्ताव कैल ख। इतवार के सजिया बैठल बैंक संचालक समिति के 291 बैठक 12% लाभांश प्रस्ताव कैले रहे। वैसे ही सिविल लघु वित्तीय संस्था शेयरधनी के 10% लाभांश प्रस्ताव कैले बा। ये दोनों संस्था के लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंक से स्वीकृत कैला बाद दोनों संस्था के साधारण सभा से पारित भइला बाद लगानीकर्ता के बोनस मिले। आज बाजार में सोना के भाव में कौनो बदलाव नहीं किया आयल त चांदी के भाव बढ़ल बा। बाजार में छपा वाला सोना प्रति तोला 71,300 रुपया में किन बेच हो रहा नेपाल सुन चांदी व्यवसाय महासंघ जनौले बा। वैसे ही तेजाबी सोना प्रति तोला 71,000 रुपया में कारोबार हो रहा बा। बाजार में चांदी के भाव तोला में 10 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 875 रुपया में कारोबार हो रहा महासंघ जनौले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। समाजवाद के आधार निर्माण करला पार्टी भीतर वैचारिक स्पष्टता जरूरी रहल नेकपा अध्यक्ष दहाल के कहना समानता के लड़ाई अभी भी बाकी। दशहरा खातिर कालू से अग्रिम टिकट बुकिंग खुला टिकट ना मिलला से सर्वसाधारण परेशान। चीनिया राष्ट्रपति नेपाल आवे की तैयारी में विभिन्न बहसा प्रशिक्षण शुरू राजकीय भ्रमण कुआर अंतिम हफ्ता होके के संभावना। एक हफ्ता खातिर अमेरिका भ्रमण में रहल भारतीय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत मोदी आ ट्रंप एक दूसरा के खुल के तारीफ कैलक लोग। आ अमेरिका कराते कप में नेपाल के हिकमत धरती मगर जीतलन 2 गो स्वर्ण पदक। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक आ हमने के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ आ देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता प्रणाम।